स्टॉक्स में वंस अगेन वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन आज का जो टॉपिक है वो है कि YouTube से कुछ ही महीनों में आप पैसे कमाना किस तरह से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, इसी टॉपिक को लेके जो आज का हमारा एजेंडा है उसमें हम सिर्फ तीन चीजों को डिस्कस करेंगे, और वो तीन चीजें ये हैं कि नंबर वन है कि हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब इन फ्यू मंथ्स, और नंबर टू पे हम करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देंगे आपको कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये किया है और ये पॉसिबल है, और नंबर थर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। और नाजिन ये याद रखिएगा कि इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आम वाली टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड एक जो हो चुका है वो मैं निकाल के लाया हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं, उन लोगों ने किस तरह से किया और आप किस तरह से कर सकते हैं इस चीज को, ये किस तरह से पॉसिबल है। तो पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब इन फ्यू मंथ्स। जी तो नाजिन ये पॉसिबल है, ये रेयर नहीं है, इसमें मैं ऐसी चीजें लेके आया हूं कि जो इससे पहले वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर लेके आया हूं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कौन कौन सा बंदा किस तरह से कर रहा है, उसने कितने अरसे में कितने सब्सक्राइबर लिए और उसकी स्ट्रेटजीज क्या थी। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, हम पार्ट नंबर टू पे चलते हैं आप कि एग्जांपल्स लेते हैं कि यूट्यूबर की कि किस तरह से उन्होंने ये कर दिखाया थोड़े ही अरसे में। आपको पता होगा कि नादर अली द वन एंड ओनली जो कॉमेडियन यूट्यूबर हैं बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने और अभी भी कर रहे हैं, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं उन्हें उनके काफ़ी सारे मतलब काफ़ी वीडियोस अक्सर अवकात देखता रहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया है कि और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे नाजिन के जो चीज़ मैं आपको मतलब जो आपको बता रहा हूँ वो उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, 100% एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, लेकिन इट इज़ अराउंड 97% कि मैं जो जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 97% इन्फॉर्मेशन मतलब एस्टिमेटेड दे रहा हूँ, अराउंड 97% ऐसे ही है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है एस्टिमेटेड। मैं जो मैंने नोट किया जो मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा हूँ इनको देख रहा हूँ इनके साथ साथ चलता रहा हूँ और ये चीज़ें मैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और मैं नोट करता था कि अभी इनके कितने सब्सक्राइबर हो गए, अभी इन्होंने बीच में क्या किया ऐसा कि ऐसे सब्सक्राइबर हो गए। तो नादर अली ने स्टार्ट किया था प्रॉपरली उन्होंने स्टार्ट किया था मई 2018 में, और मई 2019 में उनके जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके सब्सक्राइबर्स ना होने के बराबर थे, और जब मई 2019 था तो उनके सब्सक्राइबर थे 4 लाख प्लस, मतलब 1 ईयर में उन्होंने 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स बना लिए थे। उसकी क्या रीजन थी, उन्होंने क्या चीजें की हैं वो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा, और इसके अलावा एक और यूट्यूबर हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ये है कि उन्होंने काम जब स्टार्ट किया था तो उनको साल बाद उन्होंने एक दो वीडियोस की किसी खास प्रोग्राम के ऊपर, मतलब अपने कंटेंट से हट के। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ करता हूँ कि इन्होंने ये किया कि जो इनका कंटेंट था उससे हट के वीडियो की है, अब ये चीज़ ना हमारी स्ट्रेटेजी के खिलाफ जाती है लेकिन पता नहीं कैसे वर्क कर गई है। एनीवे साल डेढ़ साल के बाद इनकी वीडियो वो वाली वायरल हुई और इनके सब्सक्राइबर आना शुरू हो गए और वॉच टाइम बढ़ना शुरू हो गया, जब इनका काम मोनेटाइज हो गया चैनल ये फिर चलना शुरू हो गया अपने नॉर्मल रूटीन में। अब मैंने इन्हें कब देखना शुरू किया कि जब इनके अराउंड 150,000 इनके सब्सक्राइबर थे, उस वक्त मैंने इन्हें देखना स्टार्ट किया। तो हुआ ये कि ये लॉकडाउन के बीच में ही इनके अराउंड 150 सब्सक्राइबर थे, 1,50,000, लेकिन इन्होंने बीच में ही एक बंदे का इंटरव्यू किया जो अच्छा बड़ा यूट्यूबर था, उसका इंटरव्यू किया तो विद इन 1 मंथ इनके सब्सक्राइबर अब 2 लाख के करीब है। हालांकि ये कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है, बस नॉर्मल सा बंदा है आके इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस करता है, और इसके मतलब 1 मंथ के अंदर अब 2 लाख के करीब में है, 195 प्लस इसके सब्सक्राइबर हैं।
अब यहां पे इसने क्या किया कि इंटरव्यू किया बंदे का, उससे जिस बंदे का इसने इंटरव्यू किया उसके सब्सक्राइबर अच्छे बने हैं, अराउंड 0.5 मिलियन से ज्यादा हैं। अब उसमें से काफी सारे सब्सक्राइबर्स इधर आ गए इसके पास, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जब चलती है और दूसरा बंदा भी आपको देख रहा होता है, ये भी देख रहा होता है, इसके व्यूअर्स भी देख रहे होते हैं, उसके भी देख रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो बंदे आपकी तरफ आते हैं। और नंबर थर्ड एक यूट्यूबर है, वो बिल्कुल न्यू था, उसने विद इन 3 मंथ्स अपना चैनल मोनिटाइज करवाया है। वो किस तरह से करवाया है कि उसने वीडियोज वो लगाता था, ट्रेंडिंग वीडियोज लगाता था, और वो ये करता था कि इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस लगाता था, जिस तरह के गवर्नमेंट के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, या कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, या प्रोग्राम्स से मतलब डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी वीडियोस वो करता था। लेट्स से अगर रात के 2 बजे कोई प्रोग्राम की उसे न्यूज़ मिली है कि जी ये लॉन्च हो रहा है और इसकी ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और सारी चीज़ें, तो वो रात के 2 बजे भी वीडियो को लगा के तैयार करके लगा के फंसोता था। तो क्या हुआ कि उसका विद इन 3 मंथ्स चैनल मोनेटाइज हो गया, अराउंड 12,000 प्लस उसके सब्सक्राइबर्स थे और चैनल मोनेटाइज हुआ, और अब वो वीडियोस कर रहा है और दिन ब दिन उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब मैंने जो ये 3 बंदों का आपको बताया है, इनसे क्या हमें लेसन मिलता है कि आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करनी है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, वीडियोस को आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर रखना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि मैं सिर्फ वो चीजें बताने जा रहा हूँ कि जो वाकई में काम करती हैं। नॉर्मल चीजें तो सबको पता है कि वीडियोस को ठीक बनाना है और कंटेंट अच्छा चुनना है, ये चीजें तो ठीक है, ये कॉमन चीजें, ये सबको पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि जो वाकई में काम करती हैं, कि कुछ ही मंथ्स में आप आगे बढ़ जाएं। तो कंसिस्टेंसी ये हर एक चीज में जरूरी है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 ये हो गया कि आपके कंटेंट से रिलेटेड जो चीज है और अगर वो ट्रेंडिंग है तो वो आप लाजमी उसके ऊपर वीडियो बनाएं और उसमें देर ना करें, अपने आप को नंबर 1 रखने की कोशिश करें कि सबसे पहले आपने वीडियो चलाई, इससे पहले कि कोई और वीडियो दे दे। और नंबर 3 में मैं आपको ये कहूंगा कि ट्राई करें कि आपके जब थोड़े से सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो किसी दूसरे अच्छे यूट्यूबर को अपने चैनल के ऊपर इंटरव्यू करवाएं उसका, ये आप किसी तरह भी मैनेज करें, लेकिन यू हैव टू डू इट। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको विद इन नो टाइम एक ज्यादा मुश्किल में पड़ने से ज्यादा आसानी से आपके पास सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी याद रखें आप कि अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये तो हमें यूट्यूबर नहीं मिल सकते और ये पॉसिबल नहीं है, ये कुछ और कोई कर सकता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। और हाँ, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो ठीक है, आप इसी तरह अपना काम, अपने काम को जारी रखें, आपका काम इस तरह भी हो जाएगा, लेकिन जो रास्ते में आपको ये बता रहा हूं इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। और दूसरी आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि नंबर 4 पे जो वीडियो है उसको टू दी पॉइंट रखना है, उसमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, मतलब जो आपका कंटेंट है उसको टू दी पॉइंट रखना है आपने, मतलब लोगों को इन रियल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करनी है, लोगों की हेल्प करने की सोच से अगर आप आगे चलेंगे तो देन यू विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज नो चांस रियली। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो दावे तो वो बड़े कर रहा है कि जी मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ और ये मेरा कैरियर है और ये है वो है, अभी उसके सिर्फ 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और वो बेचारा बस ऐसे ही वीडियोस बना रहा होता है इधर उधर की। तो मैं समटाइम ये सोच रहा होता हूँ कि ये किसी अच्छी चीज़ के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं करता, तो 10 साल उसने लगा दिए। यहाँ पे लोग 6-6 महीने में, साल साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, तो 10 साल के अंदर अगर बंदा 1.5 लाख बनाता है तो सब्सक्राइबर, तो इट्स नथिंग सीरियसली। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि
हर काम में, हर बिजनेस में, हर एक पैशन जो आपका होता है, जब आप उसको शुरू करते हैं तो एक चीज याद रह जाने वाली होती है। और वो क्या चीज होती है कि लेट से अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें ये हर बंदे के साथ होता है। आप किसी से भी पूछ लें, बेशक आप किसी से भी ये चीज एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि कोई एक आध प्रोडक्ट होती है। लेट से अगर हम फैशन का शुरू कर स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो उसमें कोई एक ऐसा ड्रेस होता है कि जो आपको याद रह जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा बिका था, इसने मुझे ना रिटर्न दिया और उसकी वजह से मैंने री इन्वेस्ट किया तो मैं आगे बढ़ा। और भी आप किसी दूसरी चीज को भी देख लें, आप किसी भी चीज में स्टार्ट करते हैं, लेट से अगर आप प्रॉपर्टी का भी करते हैं, तो उसमें भी आपकी एक कोई ना कोई एक हिस्ट्री होती है, कोई एक प्रोडक्ट होता है। लेट से अगर आप प्रॉपर्टी में करते हैं, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसने आपको अच्छा जंप दिया होता है और उसकी वजह से आपका सारा काम ठीक हो जाता है। बिलीव मी, यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है कि आप जब भी कोई वीडियो बनाएं, उस वीडियो को आप ये सोच के बनाएं कि ये वीडियो मेरी वायरल होने वाली है। जब आप ये सोच के बनाएंगे, वीडियो अच्छी बनेगी। अगर वायरल नहीं हुई तो नो प्रॉब्लम, 50 वीडियोस बनाएंगे, 100 वीडियोस बनाएंगे, एक वायरल होगी, आपका सारा खाता पूरा कर देगी। सो कीप मेकिंग वीडियोस, आप बस वीडियोस बनाएं, अच्छी वीडियोस बनाएं, दिल से बनाएं। देखें, वीडियो अच्छी बनती है या नहीं बनती है, बस दिल से बनाएं। बात यह है कि आपको दिल से बनाना आना चाहिए। आगे किस तरह से होता है, उसका रिएक्शन क्या आता है, उसका रिटर्न आपको कितना मिलता है, ये आपको बाद में पता चलेगा। और दूसरी एक और बात यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं, किस चीज की वीडियोस बनाऊं, तो वो लोग ये सोचें कि ये दुनिया ना सिर्फ आपका एक घर तक महदूद नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर आप एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वो ये, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन का लेवल बहुत छोटा है या थोड़ा है, तो बिलीव मी इस ये दुनिया बड़ी पड़ी है जिनका इंफॉर्मेशन लेवल आपसे भी छोटा है, 100% आपसे भी कम है, उनको समझाने की जरूरत है, उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो इट मींस कि अगर इस बंदे के पास जिसका लेवल इंफॉर्मेशन का कम है, आपका लेवल ज्यादा है, तो इस जिसका लेवल कम है उसको जरूरत है आपके नॉलेज की। क्योंकि आप जब वीडियो बनाते हो तो आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो तो ये पूरी दुनिया को नजर आती है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी जो सोच है, समझ है, वो आपसे बहुत कम भी है। ऐसे लोग भी हैं, हाँ ज्यादा नॉलेज वाले लोग भी हैं, लेकिन ऐसा एक मार्केट सेगमेंट है जिसकी इंफॉर्मेशन लेवल आपसे भी कम है, तो उसको आपकी जरूरत है। तो आपको पता है कि जब आपकी किसी को जरूरत होती है, जब आपकी मार्केट होती है, तो आप कामयाब हो जाते हो। तो इसलिए आप ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स से निकल के जस्ट बी पॉजिटिव और काम स्टार्ट कर लें, अच्छा काम करें, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अमेजिंग वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।